अमरोहा कलेक्ट्रेट परिसर में समाजवादी पार्टी नेताओं ने पुलिस प्रशासन पर लगाया सत्ता के दबाव में आकर उत्पीड़न का आरोप। अमरोहा जनपद अमरोहा के नौगांवा सादात विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 3 नवंबर को यहां पर वोटिंग होनी है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के ओर से प्रत्याशी के रूप में मौलाना जावेद आबदी चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से संगीता चौहान चुनाव मैदान में है। इस उपचुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर और विधान परिषद सदस्य परवेज अली द्वारा अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ अमरोहा कलेक्ट्रेट पहुंचकर पर्यवेक्षक से मुलाकात की और उनसे बताया कि प्रशासन की और पुलिस की अधिकारी सत्ता के दबाव में आकर समाजवादी पार्टी के लोगों का उत्पीड़न कर रहे हैं। उनके प्रत्याशी और उनके लोगों की गाड़ियां सीज की जा रही हैं। उनके चुनाव को जानबूझकर प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि वो चुनाव निकालना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष मतदान हो। ऐसे जो भी अधिकारी हैं जो माहौल खराब करना चाहते हैं उनको हटाया जाए। उनकी लिखित शिकायत हमने पर्यवेक्षक को दे दी है और हमारी मांग है कि इस पर तत्काल कार्यवाही हो और ईमानदारी से निष्पक्ष रूप से चुनाव किया जाए। उन्होंने कहा कि हम जिन लोगों की शिकायत कर आए हैं उनके नाम नहीं बता सकते। आज कैसे आना हुआ था यहाँ पर? आप सब लोग जानते हैं कि नौगांवा विधानसभा के अंदर 3 तारीख को मतदान होना है। जिस तरह से प्रशासनिक अमले का भारतीय जनता पार्टी की सरकार उपयोग कर रही है और चुनाव को प्रभावित करने का प्रयास कर रही है, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो गांव के प्रधानों को, कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो कोटेदारों को और जो दूसरे लोगों को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, कुछ पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो पुलिस के अधिकारी होने के बावजूद, थाना प्रभारी होने के बावजूद, और वो लोगों को तरह तरह की धमकियाँ देकर मतदान को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। आज हमारा एक प्रतिनिधिमंडल ऑब्जर्वर साहब से मिला और हम लोगों ने ये अनुरोध किया है कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और जो अधिकारी इस तरह का, जिनकी शिकायत की गई है, जिस तरह का रवैया उन लोगों ने अपना रखा, ऐसे अधिकारियों को तत्काल यहाँ से हटाकर ऐसे अधिकारी, ईमानदार अधिकारी लगाए जाएं जो निष्पक्ष रूप से चुनाव कराएं और मतदान निष्पक्ष रूप से होना चाहिए। नहीं, बहुत सारे अधिकारी हैं, वो उनको बता दिया गया, शिकायत लिखित में दे दी गई है और उनको बता दिया गया और निश्चित तौर पर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि चुनाव निष्पक्ष होगा। चुनाव आयोग भी यही चाहता है और जो अधिकारी हैं उनके ऊपर जांच करके सक्सेस करवाई, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हम चुनाव प्रभावित हो रहा, लगातार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार की गाड़ियाँ सीज करना, लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो खुलेआम हूटरों की गाड़ियों के साथ फिर रहे हैं, लगातार बिना परमिशन की गाड़ियों के साथ फिर रहे हैं, लगातार वो वहाँ पर बिना उसके जनसभाएं कर रहे हैं। लेकिन बाजी जगह अभी सियाली जागीर के अंदर परमिशन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के दबाव में परमिशन खारिज कर दी गई, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव जी की सभा की परमिशन खारिज कर दी गई। तो इन सारी चीज़ों से लगता है कि पुलिस प्रशासन सत्ता के दबाव में आकर इस चुनाव को प्रभावित करना चाहता है, मतदान को कम कराना चाहता है। रिक्की, आज हम लोग क्योंकि नौगांवा में उपचुनाव हो रहा है तो हम सभी लोग समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, जिसमें मैं, हमारे जिलाध्यक्ष जी, पूर्व मंत्री कमाल अख्तर साहब और यूथ के अध्यक्ष अहबाद भाई, हम सब लोग ऑब्जर्वर साहब से मिलने आए थे। मिलने का कारण ये था कि लगातार कुछ प्रशासनिक अफसर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और नेताओं को बाधित कर रहे हैं चुनाव प्रचार करने से। लगातार हम लोगों की गाड़ियाँ सीज की जा रही हैं, लगातार अनावश्यक रूप से जिन गाड़ियों की परमिशन है उन गाड़ियों को जांचा जा रहा है और जाँच के नाम पर बहुत बहुत देर तक रोका जा रहा है, हरास किया जा रहा है। गाँवों से लगातार शिकायत जिम्मेदार लोग कर रहे हैं हमारी पार्टी से जुड़े कि कुछ अफसर सत्ता पक्ष के दबाव में हैं और उनकी मदद के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र में पर्व है चुनाव, तो हम चाहते हैं इस पर्व को ईमानदारी के साथ पूरे नौगांववासी मनाएं, सब लोग ईमानदारी से, क्योंकि समाजवाद इस वक्त बहुत आगे है और समाजवादी पार्टी जीत रही है, मेरा ऐसा मानना है। इससे कुछ लोग बौखलाए हुए हैं और वो ये चाहते हैं कि बाय हुक और बाय क्रुक हम लोगों को डिस्टर्ब करें, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग नौगांवा चुनाव भी जीत रहे हैं और प्रदेश में सब जगह जीत रहे हैं। धन्यवाद।